संभावित बाढ़ की तैयारी एवं आपदा प्रबंधन विषयक बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने बाढ़ बचाव कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मंडल के सभी नगर निकायों के निर्देश दिए कि 15 जून तक सभी नाले की सफाई करा ली जाए और निकला हुआ कचरा सही जगह पर तत्काल प्रभाव से निस्तारित कराया जाए। इसके साथ ही रेगुलेटरों के सर्विसिंग कार्य को अविलंब पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी अपने क्षेत्र के तटबंधों का निरीक्षण कर लें और उसका निराकरण कराया जा सके। उन्होंने ड्रोन की व्यवस्था करने के साथ ही बाढ़ चौकियां, राहत कैंप, नावों, मोटर बोट, नाविक, प्लास्टिक, पशुओं का चारा, खाद्य सामग्री, दवाओं की समुचित व्यवस्था कर लेने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि बंधों की मरम्मत का कार्य प्रमुखता के आधार पर किया जाए और पूर्ण कार्यों का सत्यापन अवश्य कराया जाए। कंट्रोल रूम को 24 घंटे क्रियाशील रखने के साथ ही उनके दूरभाष नंबर का प्रचार प्रसार भी जन जागरूकता के दृष्टिगत कराया जाए ताकि स्थानीय जन को यदि कोई समस्या आती है तो वे तत्काल प्रशासन को अवगत करा सके। मंडलायुक्त ने कहा कि बरसात में जल जमाव की स्थिति न उत्पन्न होने पाए इसके लिए नगर निकाय जल निकासी की समुचित व्यवस्था करे। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि सड़कों के चौड़ीकरण कार्य में निकले मलबों को अविलंब हटाने की व्यवस्था की जाए ताकि मलबों के कारण जल जमाव की स्थिति न होने पाए। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन AK सैनी, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, ADM FR राजेश कुमार सिंह सहित कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज के ADM, मुख्य अभियंता सिंचाई, PWD, विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, जिलों के जो है चारों में ADM बाकी संबंधित विभाग को अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है। शासना देश पुराना है। सबसे पहले जो है हमारे पुलिस, स्वास्थ्य, गंडक कार्य क्षेत्र, पशुपालन, सब राजस्व वाला सब अपना जो है कंट्रोल रूम जो है शुरू करते हैं। जो संभावना है जैसी इसमें भविष्यवाणी जो अभी आई हुई है तो उसके आधार पर इस बार वर्षा पिछले वर्षों की तुलना में जो है अधिक होने की संभावना है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल रूम है कौन दिख रहा है आपको दिख रहा है ना सर? नंबर वन ये देखिए, जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल रूम है मंडल स्तर का भी और जनपद स्तर का, वो बेसिकली आपदा कंट्रोल के लिए है। आपदा कई प्रकार की होती है, वो नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल है, कोई मैनमेड, तो वो भी कंट्रोल रूम भी इसकी भी कार्य के लिए हो जाए। ओनली थिंग क्या है कि जिलाधिकारी और प्रशासन को करना यह है कि जो भी लोगों की वहाँ तैनाती हो रही है उनका एक उनको जस्ट अप्रेजल हो जाए, उनको बता दिया जाए कि ये भी कार्य होना है, इसकी भी कंप्लेन आ सकती है, उनको थोड़ा सा बता देना है और उसको भी आप इसी का कंट्रोल रूम मान के ज्वाइंट भी कर लेंगे। यही आप मंडी स्तर होते सरकार से आप सिंचाई विभाग के तो उसमें नामित कर दीजिए जो वहाँ पर है। सिंचाई का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ले लीजिए और यदि कोई पशुपालन या कोई रखना है रात के लिए कर लीजिए, दिन में तो क्या है। सर मैं MA का नहीं है तो ये लोग अपना एक्टिव करना शुरू कर दें क्योंकि खासकर सिंचाई विभाग को स्पेशली है जो इंप्लीमेंटेशन है बड़ा ऑप्टिमम होना चाहिए। दिन के समय क्या हो सकता है, दिन के समय तो सब मौजूद है पर आपकी एक अपनी व्यवस्था अलग से रहती है जिसमें व्यवस्था अलग से वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी रहते हैं और यहाँ पहले के भी रहते हैं। अलग कंट्रोल रूम ऑपरेट करता है जो केंद्रीय कंट्रोल रूम से ऑपरेट करता है। बहुत सारी सूचनाएं देवी से आती रहती हैं हम लोगों के लिए, बस उसमें एक ही चीज़ रहेगी कि चारों नंबरों से अनुरोध ये है कि जो भी आपके कंट्रोल रूम के नंबर हैं बाढ़ के लिए उनको फिर से प्रचारित सारे 3-4 बार कर दीजिए। क्या हुआ है कि जब हम लोगों ने कोविड के लिए कंट्रोल रूम शुरू किया था तो एक दो नंबर थे, फिर कुछ एडमिशन हुए, कुछ एडमिशन हुए, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो अब आप क्योंकि उसको बाढ़ आपदा के का भी वो कंट्रोल रूम बना रहे हैं तो उसके नंबर प्रचारित प्रसारित कर दीजिए जिससे कि जनता को जनमानस को ये पता चल जाए कि ये नंबर भी बाढ़ आपदा के लिए है तो लोग उसके उसको फोन करें और उसकी कॉपी समस्त विभागों को जब जाए जैसे कि सिंचाई को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप मोबाइल पर हमको नियम और इन सबको देते ही हैं लेकिन कंट्रोल रूम भी आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है जरूर है। और व्यवस्था हम लोग और भी करते हैं कि ग्राम स्तर पर एक समिति बना रखते हैं जिसमें ग्राम प्रधान संबंधित राजस्व कर्मी और हमारे अगर ये ज्वाइंटी रहते हैं उनके पास सारे नंबर रहते हैं तो
निगरानी जो है, क्योंकि हमारे जितने भी हैं तो सिंचाई विभाग के खासकर क्योंकि बंदों की वजह से कुछ एरिया खासकर जैसे हमारा कुशीनगर का है पिछली बार प्रभावित भी हुआ था तो है, और देवरिया में भी हुआ है जो है कुछ साल पहले जो है, तो इस तरह से बंदों की ये समस्या भी बहुत बड़ी हो जाती है जो हुई है लेकर के बरसात और इस मार्ग को लेकर। देखिए मानसून का जो आगमन है वो इस मंथ में प्रस्तावित है, इस माह के आखिरी तक, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कोरोना के साथ साथ बाढ़ और जल भराव की समस्या जो मंडल में होती है उससे भी अपना बचाव करें, और इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना कार्य करें। स्पेशली सिंचाई बाढ़ खंड को कहा गया है कि तटबंध की वो मजबूती उसको देख लें, उसको चेक करा लें, सभी SDM एक वीक में उसको विजिट करके देख लेंगे, और उसके साथ साथ जो जल भराव की समस्या होती है उसमें नगर निकाय देख लें कि उनके पंपिंग स्टेशन रेगुलेटर्स ये सारे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ रिलीफ के लिए आश्रय स्थलों के लिए जो भी जिलाधिकारी और विभिन्न विभागों का योगदान है उसको वो करें।